वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल. आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, हमेशा हर व्लॉग की तरह, लेकिन आज हमारी लाइफ का भी बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज से अदिश्री प्रॉपर उसका बिग स्कूल स्टार्ट कर रही है और आज पहला दिन है. आज उसकी जॉइनिंग डेट है स्कूल की. उसके बर्थडे के बाद 3-4 दिन की छुट्टी थी और अब जाकर उसका स्कूल आज से स्टार्ट हो रहा है. तो आई थिंक मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा था कि मैं अगर 7 बजे नहीं भी उठी तो मैं 8 बजे भी उठती थी तो चल जाता था, लेकिन अब मुझे उसे प्रॉपर 2 टिफिन देने, ब्रेकफास्ट का, लंच का, और उसका टाइम बहुत लंबा होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे. तो इसलिए आज का दिन, आज की ये शुरुआत, आज का ये नया चैप्टर आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी ये जो डिजिटल फैमिली, अंकिता व्लॉग्स फैमिली, आप सब इसका हिस्सा है. और अतिशय जब ये व्लॉग सीरियसली थोड़ा और बड़ा होके देखेगी तो उसे पता चलेगा कि मम्मा सुबह जल्दी उठना आज से स्टार्ट हुई थी. तो आई थिंक मैं ज़रूरी होने पे ही सुबह उठती थी या अपना एक रूटीन बना रखा था कि 6:30 और 7 के बीच ही उठना है और सब कुछ, लेकिन अब मुझे और जल्दी उठना होगा और सब कुछ करना होगा. एंड अपनी मम्मी को आज मैं बहुत याद कर रही हूँ क्योंकि वो हमेशा उठती थी, बिना टिफ़िन कभी नहीं भेजा, कभी बिना नहलाए नहीं भेजा और सब कुछ. तो अब वही वाली फीलिंग मुझे आने लग गई कि वो कैसे करती थी, क्योंकि आज मैंने अलार्म भरा था 5:40 का, लेकिन मेरी नींद जो है वो 5 बजे ही खुल गई. बट मैं पढ़ी रही, अभी नहीं उठती करके, बट अब मैं उठ गई हूँ. सो आज के दिन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी बाहर जो है अंधेरा ही है, उजाला अभी पूरा हुआ नहीं है और अब धीरे धीरे ये और अंधेरा होगा. आई मीन अदिशी जब स्कूल जाएगी तब तक उजाला ही नहीं होगा क्योंकि 9 बजे सूर्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद जब दिन छोटे होंगे. तो यही है लाइफ, यहाँ पर स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा टफ है सुबह उठना. और ये मैंने इडली का बैटर बनाकर रख लिया था और ये रही वेजी, सो मैं इसका तड़का लगाकर इसमें डाल दूँगी. और ब्रेकफास्ट के लिए अदिश्री के लिए स्ट्रॉबेरी हो जाएगी, सो ये रख दूँगी और इसके साथ थोड़ी सी चटनी बना लूँगी. अदिश्री को इडली बहुत पसंद है, सो मैंने सोचा उसके फर्स्ट डे से इडली से स्टार्ट करते हैं. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told. स्कूल से वापस और अदिशी थोड़ा सा कहना चाहिए एक्साइटेड तो थी, लेकिन एकदम उसे सब कुछ नया लग रहा था, जो कहना चाहिए एक थोड़ा सा फील तो होता ही है. लेकिन उसके पुराने स्कूल के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर हैं जो कि 4 ईयर होने के बाद आ गए थे इधर, तो उन सबको देखकर वो थोड़ा सा खुश भी हो गई. लेकिन फिर भी
सब कुछ एकदम से चेंज हो गया, बिल्डिंग चेंज हुआ, रूम चेंज हो गया, टीचर्स चेंज हुए, तो थोड़ा अजीब लगता है। और अभी मैं बैठ कर ये स्कूल से एक उन्होंने एक दिया है डूज एंड डोंट्स टाइप का कि अधिशिक और क्या क्या देना होगा हमें, उसको एक्स्ट्रा शूज देने हैं स्कूल में क्योंकि उसके हफ्ते में दो दिन ना जिम डे होगा, और बूट्स अलग लगेंगे, आउटडोर शूज अलग लगेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी अधिशिक के लिए लेनी पड़ेगी, जो कि हमें पता था बाकी उसके फ्रेंड्स की वजह से, पर हमने ली नहीं थी कि एक बार हमें प्रॉपर सब कुछ मिल जाए उसके बाद लेंगे। तो देखते हैं आज उसे स्कूल से लेते, जब हम आएंगे तब शायद हम जाकर ले लें। बट मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि अभी तक पिछले 4 साल में अधिश्री 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए जाती थी, तो ठीक था, टाइम निकल जाता था, बहुत लंबा टाइम है। और आज जब वो ना उसके बैग में से बॉटल निकाल कर, वहाँ एक स्पेस था तो वहाँ बॉटल रखनी थी टिफिन, तो वो अपने मन से उसकी टीचर ने उसे बोला तो खुद निकाल के सब चीज़ें जमा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बच्ची इंडिपेंडेंट हो गई टाइम से। अब यहाँ से वो टाइम चालू हो गया है जो कि अब वो ज़्यादातर टाइम बाहर रहेगी, दूसरों के साथ रहेगी, हमारे साथ नहीं रहेगी। तो मुझे थोड़ा सा कहना चाहिए, आप कहेंगे बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ इन सब चीज़ों में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझसे अभी तक मैंने पिछले 4 साल पूरी तरह से अधिशी को दिए। इवन मैं जो भी काम करती रही हूँ साइड में एज अ फ्रीलांसर, वो काम भी मैंने उतना ही किया है जितना ज़रूरी रहा है। इवन अभी 8 दिन से भी मैं इसीलिए कोई व्लॉग या कुछ भी नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे भी ये वाला टाइम अधिशी के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि फिर शायद टाइम ना मिले। तो उसके बर्थडे पूरे वाला वीक मैंने कुछ भी काम नहीं किया, इसीलिए शायद व्लॉग भी नहीं आए और सब कुछ। इवन उसका बर्थडे वाला व्लॉग आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो वो एडिट हो रहा है और अब होगी चीज़ें। सो मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मतलब मैं रोना नहीं चाहती हूँ ना मैं रोऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। और आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ। चेंज बहुत बड़ा है। आप अपने बच्चे को आपका पूरा टाइम देते हो और फिर अब उसके पास उसका खुद का टाइम है, और अब आपको सोचना है कि जो टाइम आप उसको देते थे उस टाइम में आपको क्या करना है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो ठीक है, मैं वीडियो एडिट करती हूँ, चाय वाय पीते। आशीष की आज और कल छुट्टी, आज अधिशी का फर्स्ट डे था तो उन्होंने भी छुट्टी ली थी, तो चाय पीते हैं, बात करते हैं घर भर, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स बांटने की कोशिश करती हूँ, फिर बात करते हैं। अधिशी आती है तब, या अभी कुछ और मैं करती हूँ। तो बाकी मैं भी एडिट कर रही हूँ बर्थडे वाला व्लॉग, और अगर आपने नहीं देखा तो अभी आपको आई बटन पर दिख रहा है तो आप उससे जाके देख सकते हैं। सो करते हैं थोड़ी देर से बात। ओके गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं अधिशी को लेने के लिए। पूरा दिन भर बहुत लंबा गया, काम बहुत सारे हो गए, 2 वीडियो एडिट हो गए और सब कुछ, लेकिन फिर भी लंबा लगा दिन। आज पहली बार अधिशी के बिना पूरा दिन, सो चलते हैं अधिशी को लेने के लिए। अधिशी, ओ वेरी गुड अधिशु, हेलो, कौन आ गया स्कूल से? आप आ गए आपका स्कूल? ओ ये कौन है? न्यू वाला टॉय है। न्यू वाला टॉय है, ये आपको किसने दिया? निधि। निधि ने दिया ये अधिशी को, अधिशी की प्यारी प्यारी निधि ने दिया टॉय, है ना? हाँ। बर्थडे पे रेनबो है, रेनबो वाला है, रेनबो शिप ना? हाँ। यस, इस पे अधिशी ऐसे बैठ भी जाती है। और अधिशी को मजा आया स्कूल में? हाँ, स्कूल में मजा आया। आपने क्या क्या किया? मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश ही कर दिया। ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया, लेकिन लंच आधा ही खाया है ना? हाँ। कल खा लेगी लंच अधिशी पूरा? हाँ। हाँ, मम्मा पापा को आपकी याद आ रही थी? आपको आ रही थी क्या? को भी? हाँ, और मम्मा पापा की याद आ रही थी? आपको आ रही थी मम्मा पापा की याद? हाँ आ रही थी। ओके, हम अधिशी को स्कूल से लेकर और फिर शॉप पे चले गए थे क्योंकि हमको अधिशी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ी।
बर्थडे की कम पड़ गई थी। एक्चुअली बर्थडे की कम नहीं पड़ गई थी, बट जो मैंने सुबह आपको लिस्ट बताई थी तो उस लिस्ट के हिसाब से हमें आदिशी को कुछ शूज़ और जिम की ड्रेस और सब कुछ ला के देना था, तो अभी हमने वो वाली शॉपिंग कर ली है। एकदम क्यूट से आदिशी के लिए शूज़ मिल गए और बूट भी मिल गए न्यू, है ना। जंपिंग मडी पडल्स, और इधर एक टी शर्ट हो गया, एक स्वेट शर्ट हो गया, और आदिशी को जॉगर्स भी ला दी, कॉलरिंग्स। और आदिशी अभी जो है जो रिटर्न गिफ्ट दिए थे उसमें का एक पूरा सेट आदिशी को भी स्कूल में मिला था। ओ यहाँ तो कलर्स भी है पीछे। हाँ यहाँ तो कलर्स भी है, हमको तो ये बात पता ही नहीं थी। ये बात हमने अभी देखी कि इसमें कलर्स भी हैं। तो आदिशी को भी एक सेट पूरा स्कूल से मिला था, उसके नाम से भी उसकी टीचर ने काउंट किया था बर्थडे पे। तो आदिशी अभी वो पेंटिंग कर रही है। सो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। 20 सितंबर, और आई थिंक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन आज से स्कूल स्टार्ट कर दिया आदिशी ने, और सब कुछ अब बिल्कुल नए रूटीन में चलेगा, जो कि मैं आज दिन भर से आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ठीक है, यही था आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप और अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और टोडलर केयर से रिलेटेड व्लॉग आएंगे। सो अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में हम बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए with you. Bye bye. I can be sad with you, just take my hand and fly.